हेलो स्टूडेंट्स, नाउ रजीव, हमारा टॉपिक डबल इंटीग्रल के बारे में चल रहा है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? जो डबल इंटीग्रल थी उसमें आपके पास वन वेरिएबल में लिमिट गिवन थी, बिकॉज डबल इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। डैट मीन्स हमारे पास टू वेरिएबल हैं, एक एक्स और एक वाई। तो जब हमने प्रीवियस डिस्कस किया था उसमें ऑलरेडी लिमिट्स आपके पास गिवन थी, और जो लिमिट गिवन थी एक लिमिट वेरिएबल में थी और एक लिमिट कांस्टेंट में थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे, लिमिट वही कंसेप्ट है भी, एक लिमिट वेरिएबल में होगी और एक कांस्टेंट होगी। बट प्रीवियस में जो एग्जांपल थी उसमें ऑलरेडी लिमिट गिवन थी। अब जो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे उसमें हम खुद लिमिट फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स एक वेरिएबल की लिमिट दूसरे वेरिएबल में आएगी, वो क्या आएगी लिमिट, वो लिमिट हम पहले फाइंड आउट करेंगे। पहले हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको लिमिट वन वेरिएबल की लिमिट दूसरे वेरिएबल की लिमिट में कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सॉल्व करना आना चाहिए। तो आज देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग ही समझाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको एरिया कोई रीजन गिवन होगा जिसके अकॉर्डिंगली आप लिमिट फाइंड आउट करोगे। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन। एक तो ये है, सेकंड सेम फंक्शन है, इन्हें लिखा है ए एक्स कॉमा वाई सच एट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन। अब देखो आपको इस टाइप के सम गिवन है, इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन गिवन है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि यहाँ पे ए डाला हुआ है। दैट मीन जो भी हमारे पास एरिया हमने जो फाइंड आउट करना है उसके वो लिमिट्स गिवन नहीं है, तो वो लिमिट्स फाइंड आउट करनी है हमने। पहले हम लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए इन्होंने ये कंडीशन दे दी। क्या कंडीशन दी है इन्होंने हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन इक्वेशन फॉर्म में इज इक्वल टू वन लिख लेती हूँ, तो ये क्या बन रहा है मेरे पास, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन, क्योंकि वहां यहाँ पे जीरो जीरो है एंड रेडियस वन। दैट मीन्स इसकी ये डायग्राम मेंशन हो सकती है, अगर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको मेंशन करना चाहूँ। ठीक है, क्योंकि तो रेडियस क्या है मेरे पास वन एंड सेंटर इज ओरिजिन जीरो जीरो, तो मेरे पास ये सर्कल आ गया, ये सर्कल आ गया। तो अब इन्होंने कंडीशन क्या दिया, लेस देन इक्वल टू, दैट मींस मेरे जो एरिया फाइंड आउट करना है वो क्या आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा मेरा एरिया। मैंने इस जो शेडेड पोर्शन किया है उस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो उस शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए टू वेरिएबल है एक्स और वाई, तो एक की लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में ले आए। इसको मैं अब ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर दैट वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर था अंडर रूट आ गया प्लस माइनस आ गया। दैट मीन जो वाई है आपकी वो बाउंड हो गई माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। तो y की लिमिट आ गई इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल x, y की लिमिट आई है वेरिएबल की फॉर्म में x वेरिएबल के फॉर्म में। तो अगर एक वेरिएबल की हम एक को हमने वेरिएबल के फॉर्म में ले लिया तो अब x की लिमिट क्या लेंगे, कॉन्स्टेंट्स लेंगे। तो अब हमने x की लिमिट निकालनी है, y तो आ गया हमारे पास, तो x लेने के लिए हम पुट कर लेंगे y इज इक्वल टू जीरो। अगर आप y जीरो पुट करोगे तो x स्क्वायर क्या आ रहा है 1, तो x क्या आ गया प्लस माइनस 1,
वैसे अगर ऐसे नहीं भी करना ना, आप यहां से भी देख सकते हो कि आपका जो एरिया है, अगर ये प्रोसीजर नहीं करना आपने, भी जो आपका सर्कल बना है अकॉर्डिंग टू रीजन माइनस वन टू वन, देखो एक्स की लिमिट क्या चल रही है माइनस वन टू वन, तो वाई आप ये सोच चुके वाई की तो माइनस वन टू वन चल रही है, नहीं क्योंकि ये है माइनस वन टू वन है, क्योंकि हमारे पास रीजन गिवन है। अगर हमने दोनों कॉन्स्टेंट लिमिट्स ले ली तो हमारा आंसर प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो एक की हमने वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास रीजन गिवन था वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर, आफ्टर दैट हमने अब हमारे पास अब हम इसको इस लिमिट को लिख लें, हमारे पास फंक्शंस गिवन है, क्योंकि कॉन्स्टेंट लिमिट को हम बाद में लिखते हैं, तो माइनस वन टू वन ठीक है। आफ्टर जो सेकेंड लिमिट लिखेंगे हम माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू वाई विच इज द लिमिट ऑफ वाई दैट्स व्हाई रिटर्न डी वाई फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज पहले किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा वाई के विद रिस्पेक्ट टू इंटू डी एक्स ठीक है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। अब इनकी इंटीग्रेशन करने के लिए माइनस वन टू वन ये सेम है इट, अब देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव है, अगर आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करोगे तो आप इसको ये भी ले सकते हो ना टू इंटू जीरो टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने नेगेटिव टू पॉजिटिव के लिए जीरो इंटू दिस लिख दिया टू इंटू, क्योंकि ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव लिमिट है तो आगे टू लगा के हम जीरो से पॉजिटिव तक लिमिट लिख सकते हैं। अब उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई डी वाई इंटू डी एक्स, नाउ अगेन माइनस वन टू वन टू इंटू, अब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो वाई स्क्वायर बाई टू जीरो टू वन माइनस एक्स स्क्वायर ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं माइनस वन टू वन टू, आगे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर है आपके पास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के स्पेस पे ये फिल होगा दैट इज अ वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो गया बाय टू, ये हो गया आपके पास। यहाँ पे ना एक मिनट रुक, मेरी ना फंक्शन यहाँ पे वाई स्क्वायर आना था, फंक्शन वाई स्क्वायर यहाँ पे थ्री बाय थ्री आएगा, थ्री बाय थ्री तो यहाँ पे थ्री बाय टू बाय थ्री यही आएगा, ये जो टू था अंडरूट वो वन बाय के फॉर्म में हो गया, थ्री पावर ऊपर है डिवाइड में थ्री, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगी अप्लाई जीरो, यहाँ वाई के स्पेस पे जीरो फिल करूंगी तो मल्टीप्लाई में है तो जीरो हो गया ठीक है जी, यहाँ तक हो गया हमारा। नाउ इसको रेज कर देती हूँ, अब जीरो खत्म, इस क्वेश्चंस को हम माइनस वन टू वन टू आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर बाय थ्री, ये मैंने थ्री कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया एक्स स्क्वायर, इसको वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडरूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे हम, बिकॉज थ्री बाय टू पावर है, एक तो आ जाएगा वन प्लस वन बाय टू पावर, तो ये वन हो गया और ये वन बाय टू पावर हो गया। अब देखो इस टाइप के इंटीग्रेशन को आप कैसे सॉल्व करते हो, अगर अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता है, अगर आपके पास वन माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का आ जाता है तो हम एक्स स्क्वायर पे साइन थीटा जब कोस थीटा पुट कर लेते हैं तभी हम इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व कराते हैं, तो पुट करते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा साइन थीटा, अगर आपने x साइन थीटा किया है तो dx की वैल्यू चाहिए dx इज इक्वल टू cos थीटा d थीटा, डेरिवेटिव हो गया। अब हम लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं, लिमिट्स को यहां पे भी चेंज कर लेते हैं, जैसे क्या लिख लेते हैं 0 टू 1 2 आगे लगा देते हैं क्योंकि 0 टू 1 नेगेटिव तो पॉजिटिव होगी। नाउ इफ x 0, अगर x 0 है 0 फिल करोगे तो थीटा भी क्या आ गया 0,
जब आपकी x क्या आएगी 1, तो 1 इज इक्वल टू दिस sin थीटा, 1 इज इक्वल टू sin थीटा, यहाँ पे sin 90 आएगा, इज इक्वल टू sin थीटा, थीटा की वैल्यू क्या रही है 90, दैट इज योर लिमिट बिकम 0 टू पाई बाय 2, x की वैल्यू क्या फिर हमने sin थीटा, दैट इज sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आफ्टर दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना जी। नाउ 0 टू पाई बाय 2 लिमिट, यहाँ पे आगे क्या था 4 बाय 3, अब साइन स्क्वायर थीटा, नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर विच इज द कॉस स्क्वायर, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल, तो एक कोस आ जाएगा, कोस को कोस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम 3 थीटा डी थीटा, सॉरी 3 हो गया, ये 3 हो गया, आफ्टर दैट यहाँ पे इनटू dx का, dx के स्पेस पे हमारा क्या आएगा कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा डी थीटा, तो कितना हो गया 2 पावर यहां से 1, यहां से 2 और 1 3, 3 और 1 4, दैट मींस cos x टू पावर क्या हो गया आपके पास 4 थीटा d थीटा, तो ये फंक्शन आपका इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो इस फंक्शंस की इंटीग्रेशन मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इंटीग्रेशंस की वीडियो प्रोवाइड करवाई है, उसमें मैंने बताया कि sin x टू पावर mx और cos x टू पावर nx dx होता है, और उसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आपको यहाँ पे प्रॉपर इंटीग्रेशन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर ही लिखोगे जैसे मैं लिख रही हूँ, बट वो आया कैसे है अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो जो मैंने वीडियो बनाई है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके देख सकते हो भी इसका रिजल्ट कैसे आया है। अब देखो कैसे आता है, 2 है, 2 दैट इज द m, माइनस 1 करोगे 1, ठीक है, आफ्टर दैट 1 में से फिर 2 में से अगर हम और माइनस करते हैं 3 माइनस करेंगे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव छोड़ देंगे, अब यहाँ पे 4 पे आओ, इनटू पहले 4 माइनस 1 विच इज अ 3, ठीक है, 4 माइनस 1 3, अब 4 में से फिर और माइनस करना है, और 3 माइनस करेंगे 4 माइनस 3 विच इज अ 1, फिर 3 के बाद 5 माइनस करेंगे, 4 माइनस 5 करेंगे कितना आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव छोड़ दो, नेगेटिव और जीरो छोड़नी है तो अब डिवाइड में 4 टू 6 दोनों का प्लस, 6 में से फिर इवन माइनस होंगे, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2, ठीक है, इनटू अरे दोनों क्या है इवन, अगर दोनों इवन होते हैं तो साथ में क्या लगता है पाई बाय 2, इफ देयर इज 1 ऑड जब बोथ ऑड देन मल्टीप्लाई में 1 लगता है। अब इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपके पास ये आ गया, अब इसको आप सॉल्व कर लो तो आपके पास प्रॉपर आंसर आ जाएगा, कितना आ गया पाई बाय 24, दैट इज योर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमने ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन किया है सॉल्व, यही क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के लिए देखो क्या डिफरेंस है, मैंने दोनों क्वेश्चंस क्यों साथ में लिखे हैं, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम एज इट होगा, लेकिन सिर्फ क्या कंडीशंस का फर्क है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम है, सिर्फ यहाँ पे इन्होंने ये कंडीशन एक और ऐड कर दी विच इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका क्या मीनिंग हो गया कि जब आपने सर्कल ही बनाया, जब आपने एरिया निकालना है तब जो एक्स है आपकी वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, दैट मीन्स उसमें नेगेटिव पोर्शन इंक्लूड नहीं है, तो हम ये नेगेटिव वाला पोर्शन निकाल दें उसमें से, सर्कल ही बन रहा है लेकिन ये नेगेटिव जिसमें हमारी एक्स नेगेटिव है वो निकाल दें, वाई के कंसीडर इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, दैट्स वाई हमारा जो एरिया हो गया वो ये वाला हो गया सारा, हमने ये वाला पोर्शन निकालना है, ठीक है, सेम एज इट ऐसे ही क्वेश्चन चलेगा, क्या डिफरेंस आएगा ओनली लिमिट्स में, y की लिमिट तो वही नेगेटिव से पॉजिटिव चलेंगी, y की लिमिट तो वही अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर और अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन जब हम x की लिमिट डिस्कस करेंगे
तो एक्स की लिमिट के लिए हमारी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से वन। हमारी एक्स की लिमिट यहाँ पे क्या थी, माइनस वन टू वन थी ना, हम आगे टू लगा के ये बनाया था। इस क्वेश्चन में अब आपके पास लिमिट ऑलरेडी जीरो टू वन है, तो आपको आगे टू लगा के नेगेटिव नहीं बनाना। अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर्स की बात करोगे, डेट मीन्स ये टू नहीं लगा था, तो पाई बाय 48 आंसर आएगा सेकेंड क्वेश्चन का, वो आप अपने बिहाफ पे सॉल्व कर लेना। सिर्फ ऑनली इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर का फर्क पड़ा है। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपके पास कोई एरिया के लिए कोई डोमेन गिवन है, तो हम कैसे उसकी लिमिट इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल में निकालते हैं। पहले हम लिमिट निकालते हैं, आफ्टर दैट सिंपली क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।